ऑल परफेक्ट सर, काम हो रहा है। अच्छा ध्यान रखना, दीवारों के भी कान होते हैं। मैं पर्सनली सब देख रहा हूँ सर। अच्छा वो पेपर वगैरह तो सब साइन करा लिए ना? ऑल डन सर, काम हो रहा है और सब परफेक्टली चल रहा है। क्योंकि कल को ऐसा ना हो वो पुलिस स्टेशन चली जाए हमारी कंप्लेन लेकर। सर आप बेफिक्र रहिए, मैं पर्सनली सब कुछ देख रहा हूँ। चलो गुड। शूटिंग शुरू भी हो गई है, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। कीप इट अप। फरवरी 2021 मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच और छापे की एक बहुत बड़ी कार्रवाई। यह कार्रवाई मलाड के मड इलाके के एक बंगले में की गई थी जहां हो रही थी एक पॉर्न फिल्म की शूटिंग। पॉर्न फिल्म की यह शूटिंग बड़े ही सीक्रेट तरीके से हो रही थी और जब इस सीक्रेट शूटिंग से जुड़े लोगों के राज से पर्दा उठा तो सामने आई वो कहानी जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। ठीक है, फ्री होकर कॉल करता हूं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम रोबा खान है। और ये जनाब, ये कौन है? सर ही इज माय हस्बैंड। अच्छा आप रोबा खान और ये आपके हस्बैंड। हमारे जोड़ी तो हिट है, बहुत बढ़िया। लेकिन मैडम आप ये गंदा काम क्यों करती हैं? एक्सक्यूज मी सर, आपको शायद कुछ गलत फहमी हो रही है, हम लोग कोई गंदा काम नहीं करते। सर हम तो सिर्फ एक वेब सीरीज की शूटिंग कर रहे थे और कुछ नहीं, बस। वेब सीरीज की शूटिंग कर रहे थे या पॉर्न फिल्म बना रहे थे? नहीं नहीं सर, नहीं सर, हमारे पास सबूत है तुम लोगों के खिलाफ। नहीं सर, क्या लेकर जाओ इन्हें। सर सुनिए तो सही। सर मेरे पास पेपर्स है हमारी शूटिंग के। ये तो बस शुरुआत थी। 4 फरवरी को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पॉर्न फिल्म बनाने के आरोप में जिन लोगों को गिरफ्तार किया था वो इस डर्टी कांड के मामूली प्यादे थे, छोटे छोटे मोहरे थे। और उन्हीं मोहरों से मिला पुलिस को वो सुराग जिसने इस डर्टी कांड की कहानी में ला दिया तूफान। कुछ नहीं, लेकिन आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। बताओ क्या हुआ? अरे कुछ भी नहीं हुआ यार, तुम्हारे होते हुए कुछ हो सकता है क्या? अरे डार्लिंग हो तुम मेरी, रिलैक्स, कुछ भी नहीं हुआ, सब नॉर्मल है। और अगर कभी कुछ हुआ भी तो तुम तो हो ना संभालने के लिए। वो तो मैं हमेशा। जैन सर,
सर, ये रोबा खान और उसके पति की कॉल डिटेल्स। सर, ये लोग शॉर्ट फिल्म्स और वेब सीरीज में काम देने के बहाने कई मॉडल्स और नई हीरोइंस को अपने जाल में फंसा चुके हैं और बाकायदा इसके लिए एग्रीमेंट भी करते हैं। sure. जी, और कुछ तो लालच में आकर खुद ही पोर्न फिल्म करने के लिए तैयार हो जाती हैं और जो तैयार नहीं होती हैं उन्हें डरा धमका कर पोर्न फिल्म की हीरोइन बना दिया जाता है। और सर, हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि ये लोग मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ के कहने पर ही ये पोर्न फिल्म बना रहे थे। पोर्न पिक्चर कांड में जब चर्चित मॉडल और एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ का नाम जुड़ा तो क्राइम ब्रांच के अधिकारी भी चौंक गए और इसके बाद 6 फरवरी को गहना को गिरफ्तार कर लिया गया। गहना से पूछताछ की गई और फिर सामने आया पोर्न कांड के अगले खिलाड़ी का नाम, और वो नाम था फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के खासम खास उमेश कामत का। सर, गहना से पूछताछ के बाद हमने और भी जांच, हमारे पास पुख्ता सबूत है कि इस पोर्न कांड में राज कुंद्रा का खास आदमी शामिल है। क्या नाम है उसका? सर, उसका नाम उमेश कामत है। उमेश कामत, राज कुंद्रा का खास आदमी, बुलाओ उसे कल थाने में पूछताछ के लिए, देखते हैं कितना खास है वो। पुलिस के मुताबिक उमेश कामत को जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसके खुलासे ने हर किसी को सन्न कर दिया। उमेश ने क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को बताया कि पोर्न फिल्मों का यह पूरा रैकेट शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के इशारे पर चल रहा था। 8 फरवरी को उमेश कामत के इस खुलासे के बाद ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अब इस डर्टी कांड में बारी थी मास्टरमाइंड राज कुंद्रा की। कोमल गुप्ता केस की फाइल लेकर आओ। सर, जैन सर। थैंक यू सर। सर, उमेश कामत ने जो खुलासा किया है हमने उसकी जांच की और हमने पाया कि उसने जो भी बताया है वो सच है। हाँ, लेकिन हमारे पास पुख्ता सबूत होने चाहिए। बिना सबूत के हम इतनी बड़ी हस्ती राज कुंद्रा पर हाथ नहीं डाल सकते। सर, कुंद्रा के खिलाफ पुख्ता सबूत तो वो ऐप ही है जिस पर पोर्न फिल्म को डाला जाता है। इसके अलावा कुछ मॉडल्स ने हमसे उनकी शिकायत भी की है और कई मॉडल्स ने तो ऐसी कहानी बताई है सर कि वो कहानी वाकई बहुत सनसनीखेज है। राज कुंद्रा के पोर्न पिक्चर कांड की गिरहें जांच में खुलती जा रही थी लेकिन पुलिस बिना पुख्ता सबूत के कुंद्रा जैसी हस्ती को हाथ नहीं लगा सकती थी। सबूतों की तलाश में पुलिस पोर्न कांड की शिकार बनी कई मॉडल्स और हीरोइनों तक पहुंची और फिर उनके बयानों ने राज कुंद्रा के डर्टी कांड को कर दिया बेपर्दा। ऐसे ही कुछ मॉडल्स ने हमें भी कुंद्रा के डर्टी कांड की कहानी सुनाई। सर, मुझे लास्ट कोविड के टाइम पे अगस्त में कनेक्टिंग कॉल आया था, वो कॉल था उमेश कामत जी का। मुझे उमेश नाम के एक शख्स का फोन आया करता था काफी टाइम से, जो कि कह रहे थे हम एक बहुत बड़ी वेब सीरीज बनाने वाले हैं और आप जानती होंगी राज कुंद्रा जी को, उनके थ्रू उनकी कंपनी के थ्रू एक बहुत बड़ी वेब सीरीज बन रही है, आपको ऑडिशन देना होगा। तो मैंने ये सोचा कि चलो बिग थोड़ा बिग प्रोडक्शन है, बिग जो है बिग बैनर में मुझे काम करने के लिए अच्छा काम, अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, ये सोच के मैंने उनसे बात किया। जब हमें वीडियो कॉल आया तो 3 लोग थे, तो जब मैं रेडी थी तो उन्होंने कहा कि आपको ऑडिशन देना होगा, न्यूड ऑडिशन। बट जैसे मैंने उनसे बात किया तो धीरे धीरे उन्होंने मुझे बोला कि वो मुझे वीडियो कॉल करना चाहते, मैंने करके वो मुझे उन्होंने डिमांड किया कि मुझे न्यूड ऑडिशन देखना चाहिए। और वहाँ जाने के बाद जब आपको सीन दिया जाता है आपको न्यूडिटी करने का है तो सामने वाली बंदी मना करेगी कि नहीं, मुझे तो ये सब नहीं करना, मैं तो इस चीज के लिए एग्री नहीं किया। तो वो लोग कहते हैं कि 10 लाख आप दो, अगर आप 10 लाख देते हो तो यहाँ से जा सकते हो, अगर नहीं आप 10 लाख नहीं देते हो तो फिर यहाँ से आपको जाने नहीं दिया जाएगा और आपके साथ में ये मूवी की जाएगी। कुंद्रा कांड के शिकार मॉडल्स के अलावा भी हमारे पास उसके खिलाफ कई पुख्ता सबूत हैं। जैसे छानबीन करने पे पता चला है सर कि उसने
फौरन कांड को अंजाम देने के लिए हॉटशॉट्स नाम का एक ऐप बनवाया था। तो इसी ऐप पर राजकुंद्रा उन हीरोइनों की डर्टी पिक्चर अपलोड करता था। बिल्कुल सर, ये वही ऐप है। लेकिन 2019 में उसने ये ऐप अपने जीजा प्रदीप बख्शी की लंदन वाली कंपनी कैंडीन को भेज दिया था। क्यों, उसने ऐसा क्यों किया? भेद खुल जाने के डर से सर, उसे पता था भेद खुल जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा। तो राजकुंद्रा बहुत शातिर है। और यही नहीं सर, हमारे मुखबिरों से ये भी पता चला है कि मड आइलैंड वाले बंगले से लेकर और भी कई जगह डर्टी फिल्मों की शूटिंग करते हैं और मॉडल्स और एक्ट्रेस से बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता था, जिसमें बोल्ड सीन्स, न्यूड सीन्स, टॉपलेस सीन्स, स्मूच, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिए हामी भरवाई जाती थी। तो राजकुंद्रा इन फिल्मों के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाता था? हाँ सर, और कई एक्ट्रेसेस ने तो ये भी बताया है कि उन्हें अंग्रेजी तक नहीं आती थी, लेकिन अंग्रेजी में लिखे कॉन्ट्रैक्ट पर उनसे धोखे से साइन करवा लिया जाता था और उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट को आधार बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे न्यूड शॉट्स फिल्माए जाते थे, करवाए जाते थे। तो राजकुंद्रा ने बचने की पूरी तैयारी कर रखी थी। लेकिन सर, अब हमारे पास उसके खिलाफ एक नहीं बल्कि बहुत सारे सबूत हैं। गुड, थैंक यू सर। एक बार पुलिस को जैसे ही लगा कि उसके पास राजकुंद्रा के खिलाफ सबूतों की फेहरिस्त है, राजकुंद्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया। कई घंटे तक पूछताछ होती रही और फिर पुलिस ने राजकुंद्रा को फोन कांड में कर लिया गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने आज मशहूर बिजनेसमैन और बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये प्रॉपर्टी सेल है, प्रॉपर्टी सेल के तीसरी मंजिल पर ही राज कुंद्रा को रखा गया है। कुंद्रा साहब, आपके पॉन पिक्चर कांड का खेल अब खत्म हो गया। अब आप हमें बताएंगे कि आपने किन किन लोगों से अश्लील फिल्में बनवाई। मैं कोई पॉर्न फिल्में नहीं बनाता था, हाँ लेकिन ये बोल्ड और इरोटिक फिल्में हमने ज़रूर बनवाई थी। हमारे पास लड़कियों का बयान है, कई मॉडल्स ने ये आरोप लगाया कि आपने उन्हें धोखे में रखकर पॉर्न फिल्मों के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए और फिर उन्हें डरा धमका कर उनके साथ पॉर्न फिल्म बनवाई। झूठ है, सब बकवास है। तो सच क्या है, आप हमें बताएंगे? सच यही है कि मैं बेकसूर हूँ। आप बेकसूर हैं जी, और हमारे पास जो आपके खिलाफ सबूत हैं वो झूठे हैं। आपको अरेस्ट किया जाता है राजकुंद्रा साहब, अब अपनी बेगुनाही कोर्ट में साबित करना, लेकर जाओ इन्हें। की रात जैसे ही राजकुंद्रा को गिरफ्तार किया गया, यह खबर पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गई। गिरफ्तारी के बाद राजकुंद्रा को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 23 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस इस बीच कुंद्रा से लगातार पूछताछ करती रही, लेकिन पॉन कांड से जुड़े कई ऐसे राज थे अब भी अनसुलझे थे। ये कुंद्रा बहुत शातिर है। कुछ पता चला क्या? कुंद्रा से पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के बाद मुझे ये पता लगा है कि ये पॉन कांड की कमाई कुंद्रा सट्टे में लगाता था। सट्टे में? सट्टे में, और इसके लिए ये अलग अलग बैंक खातों का इस्तेमाल करता था। कमाई सीधे अपने अकाउंट में नहीं लेता था, पहले वो कमाई किसी और के अकाउंट में जाती थी, फिर इसके अकाउंट में आती थी। सर, इसका मतलब कुंद्रा शुरू से ही अपने बचने की पूरी तैयारी के साथ चल रहा था। लेकिन अब नहीं बच पाएगा। कल कोर्ट में पेश करने के बाद हम दोबारा रिमांड मांगेंगे, और हाँ, कल इसकी वाइफ शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ करेंगे।
मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की तहकीकात जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे राजकुंद्रा पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा था। 23 जुलाई को कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस ने एक बार फिर कुंद्रा की रिमांड की मांग की और कोर्ट ने 27 जुलाई तक राजकुंद्रा को पुलिस के हवाले कर दिया और उसी दिन पुलिस उसे लेकर उसके घर पहुंची जहां चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई और तलाशी के बाद पुलिस ने तकरीबन 6 घंटे तक शिल्पा शेट्टी से भी की कड़ी पूछताछ। शिल्पा जी, आपने साल 2020 में व्यान कंपनी से अपने शेयर क्यों निकाले बताइए। व्यान और कैमरिन कंपनी के बीच में हुए पैसों के लेन देन के बारे में आपको क्या जानकारी है? जी, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। आपको पता है कि पॉन वीडियो लंदन भेजने और उन्हें अपलोड करने के लिए व्यान कंपनी के दफ्तर को इस्तेमाल किया गया? सर, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। शिल्पा जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आप राजकुंद्रा की वाइफ हैं, उनकी कई कंपनियों में डायरेक्टर हैं और आप कह रही हैं आपको कुछ भी नहीं पता। सर, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। अब चलिए, अगर ये हम मान भी लें तो आपको ये तो पता होगा हॉट शॉट्स के बारे में। आपकी कभी राजकुंद्रा के बहनोई प्रदीप बख्शी से इस बारे में बातचीत हुई? जी, मेरी इस बारे में उनसे कोई भी बात नहीं है। और हाँ, मेरे पति पे जो भी आरोप लग रहे हैं वो सभी गलत हैं। उन्होंने एक मूवी छोड़ के कोई भी मूवी शूट नहीं करी, उन्होंने कोई पोर्न फिल्म नहीं बनाई। सूत्रों के मुताबिक इन तमाम सवालों के जरिए मुंबई पुलिस राजकुंद्रा की कंपनियों और कुछ कंपनियों की आड़ में चल रहे अश्लील फिल्मों के रैकेट के बारे में शिल्पा से एक एक राज उगलवाना चाहती थी। हर सवाल का जवाब दर्ज किया जा रहा था। शिल्पा रो रही थी और रो रो कर एक ही बात कह रही थी कि उसके पति राजकुंद्रा बेकसूर है। बहरहाल शिल्पा से पूछताछ के बाद 27 जुलाई को राजकुंद्रा को फिर से कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। खबर है कि जेल में राजकुंद्रा के दिन और रात दोनों बेचैनी से कट रहे और पुलिस एक बार फिर शिल्पा शेट्टी से पूछताछ की तैयारी कर रही है। ऐसे में देखना यह है कि राजकुंद्रा के डर्टी कांड की तहकीकात में पुलिस आने वाले दिनों में और क्या खुलासा करती है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। ABP News, आपको रखे आगे।